इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या सेंटअप एग्ज़ाम नहीं देने से क्या होगा, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम सेंटअप एग्ज़ाम में अपीयर 1 दिन होते बाकी दिन नहीं होते तो क्या होगा। तो देखिए, सेंटअप एग्ज़ाम आपको पूरा देना है, ठीक है। जैसे फाइनल एग्ज़ाम आप देते हो पूरा, वैसे ही सेंटअप एग्ज़ाम को भी पूरा देना है। अगर 1 दिन का भी, एक सब्जेक्ट का भी छोड़ते हो तो भैया फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी बिहार बोर्ड नहीं करेगा, ना स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस बनेगा, ठीक है। अब दूसरा बात ये भी है कि सेंटअप एग्ज़ाम का तो रिजल्ट नहीं आता है, तो इतना ज़रूरी क्यों है एग्ज़ाम देना। भैया एग्ज़ाम देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बिहार बोर्ड ने ये साफ साफ कह दिया है कि जो बच्चे सेंटअप एग्ज़ाम में अपियर नहीं होंगे उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और उनको वार्षिक परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब कि आप फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, समझ गए। भले आप फेल हो जाइए कोई दिक्कत नहीं, सेंटअप एग्ज़ाम आपको देना है, आप फेल नहीं होइएगा, घबराइए नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आता है, आपको बस सेंटअप एग्ज़ाम देना है, इतना ध्यान रखना है। और जो सेंटअप एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पैटर्न देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, उस पर जो चीज़ जैसे लिखा होगा वही चीज़ आप लोग को फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मतलब होता है ना कि किसी काम को करवाने से पहले उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, तो बस वही चीज़ है ये सेंटअप एग्ज़ाम, ठीक है, अगर नॉर्मल समझाए तो। और दूसरा हो गया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। देखिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ये बड़ा ही अलग है, ये एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इज़ द पार्ट ऑफ फाइनल एग्ज़ाम। मतलब कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक भाग है जो कि फाइनल एग्ज़ाम में जुड़ने के बाद आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। वो कैसे जानिए, देखिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 30 नंबर का होता है, और आप लोग का जो मान लीजिए साइंस है या सोशल साइंस है या फिर इंटरमीडिएट में भी हम बात कर लें, साइंस में 30 30 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी में रहता है, तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है ना, वो प्रैक्टिकल आपके स्कूल कॉलेज में होता है, ठीक है। और वो 30 नंबर का मार्किंग आपके स्कूल कॉलेज वाले करते हैं, बिहार बोर्ड नहीं करता है। लेकिन वो 30 नंबर में मान लीजिए 28 नंबर, 26 नंबर, 25 नंबर या 29 नंबर जो दिया, तो वो रिपोर्ट बन के जाता है बिहार बोर्ड के पास, और बाकी उधर जो 70 नंबर का आप सब्जेक्टिव का आंसर दे के आए हैं, उस 70 में कितना नंबर आया आपका, मान लीजिए 70 में 65 नंबर आया, तो 65 और इधर मान लीजिए 25 नंबर इधर से मिल गया, तो इस दोनों को ऐड करके साइंस में जितना नंबर आया वो आपको सामने में दर्शाया जाएगा। तो इससे आप क्लियर हो गए कि अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप छोड़ देते हो फाइनल एग्ज़ाम से होने से पहले, तो आपका फाइनल एग्ज़ाम देना बेकार है। सेंटअप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तब तो आपको फाइनल एग्ज़ाम देने का अनुमति ही नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेंटअप एग्ज़ाम दे देते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तब तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत ही आसान से आसान शब्दों में और भाषा में यह समझाने की कोशिश की है कि सेंटअप एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक भाग है जो कि मिलता है फाइनल एग्ज़ाम से, मान लीजिए मान क्या 100% वही होता है, 100% में 70% होता है सब्जेक्टिव जो कि आप लोग सेंटर पे जाके देते हो फाइनल एग्ज़ाम का, ठीक है, और 30 नंबर होता है प्रैक्टिकल जो कि आपके अपने स्कूल कॉलेज में लिया जाता है, और उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाकर देना होता है। प्रोजेक्ट आप लोगों को पता होगा, जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सभी को बुक स्टोर पे एक किताब मिलता है जिसमें आप बोलिएगा कि हमको प्रैक्टिकल का किताब चाहिए, तो प्रैक्टिकल के साथ किताब और एक कॉपी भी दे देगा। उसको आप जाइए घर पे बना करके पूरा सेम टू सेम उस कॉपी को ले करके आपको जाना है आपके स्कूल कॉलेज में, जिस दिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है उस दिन पहले क्वेश्चन आंसर का जवाब दे देना है, ठीक है। उसके बाद उसी के साथ में आपने जो लिखा हुआ प्रैक्टिकल का कॉपी है वो जमा कर देना है, और उसका मार्किंग आपका स्कूल कॉलेज ही करेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को पता होगा ये बात, जिनको नहीं पता वो जान लीजिए कि वो जो 30 नंबर है वो 30 नंबर आपके स्कूल कॉलेज वाले ही डिपेंड करेंगे कि कितना उनको देना है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट क्वेरीज है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।